हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम कबीरा ट्यूटोरियल्स। आज मैं 27 फरवरी 2016 के करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगी। ये कैटेगरीज की लिस्ट है जो इस सेक्शन में कवर होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा 30 अंडर 30 एशिया की सूची जारी की गई, जिसमें 56 इंडियंस हैं। नीचे दिए गए इन ऑप्शंस में से कौन स्पोर्ट्स कैटेगरी में शामिल नहीं है? करेक्ट आंसर है सुरेश रैना। स्पोर्ट कैटेगरी में शामिल होने वाले चार भारतीयों में टेनिस की नंबर वन खिलाड़ी सानिया मिर्जा, विराट कोहली, साइना नेहवाल और अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली अपंग महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी ने पर क्विंटल रॉ जूट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP कितना बढ़ाया है? करेक्ट आंसर है 3200। रॉ जूट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस ईयर 2016-17 के लिए 2700 से बढ़ाकर 3200 रुपये पर क्विंटल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RJI से मिली इंफॉर्मेशन के अनुसार भारत में सेक्स रेशियो कितना बड़ा है? करेक्ट आंसर है 943। 2001 में 1000 मेल्स पर 933 फीमेल्स थी, जो कि 2011 में बढ़कर 943 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013 ऑफिशियली किस राज्य में लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर है मिजोरम। यह एक्ट स्टेट फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर जॉन रोथलू अंग्लियाना के द्वारा लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मिजोरम की कैपिटल एजाल, CM लाल थनहावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन गवर्नमेंट ने ई टूरिस्ट वीजा स्कीम कितने देशों के लिए बढ़ा दी है? करेक्ट आंसर है 37। अब इस स्कीम के अंतर्गत टोटल 150 कंट्रीज शामिल हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने किस बैंक को RBI एक्ट के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड किया है? करेक्ट आंसर है नेशनल बैंक ऑफ अबू धाबी। इस बैंक की ब्रांचेस दुनिया में 17 देशों में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने आधार बेस्ड EKYC नो योर कस्टमर फैसिलिटी लॉन्च की है, जो कि 100% पेपरलेस है? करेक्ट आंसर है बिरला सन लाइफ असेट मैनेजमेंट कंपनी। इस फैसिलिटी के लॉन्च के बाद जो म्यूचुअल फंड के फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, वो EKYC फॉर्मेलिटी सिर्फ आधार कार्ड नंबर यूज करके पूरी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने कितनी NBFCs के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए हैं? करेक्ट आंसर है 26। RBI ने इन NBFCs के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 45(1)(a)(6) के अकॉर्डिंग कैंसिल किए हैं। इससे पहले भी RBI ने 4 NBFCs के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए हैं। आप इसकी डिटेल 8 फरवरी के वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के द्वारा मैक्रो इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 पार्लियामेंट में प्रदर्शित किया गया, यह सर्वे किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? करेक्ट आंसर है अरविंद सुब्रमण्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कार मेकर कंपनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के साथ ग्लोबल एम्बेसिडर्स के लिए पार्टनरशिप की है? करेक्ट आंसर है निसान। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, निसान का हेडक्वार्टर है योकोहामा, जापान। इसे 26 दिसंबर 1933 को फाउंड किया गया था। इसके CEO है कार्लोस गोंस, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन रेनॉल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट द्वारा कर्नाटका हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है शुभ्रो कमल मुखर्जी। वे कर्नाटका हाईकोर्ट के
28वें चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड ICG का नया डायरेक्टर जनरल DG किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है राजेंद्र सिंह। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा तटरक्षक मेडल भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कमिटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी नामक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी की अध्यक्षता किसने की? करेक्ट आंसर है TSR सुब्रमण्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EEPC इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ईस्टर्न रीजन्स गोल्ड ट्रॉफी 2013-14 किसे दी जाएगी? करेक्ट आंसर है नालको। नालको की फुल फॉर्म है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। यह EEPC गोल्डन ट्रॉफी 2013-14 में आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के लिए नालको को दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा आर्यभट्ट अवार्ड किसे दिया जाएगा? करेक्ट आंसर है अविनाश चंदर। अविनाश चंदर डिफेंस मिनिस्टर के फॉर्मर साइंटिफिक एडवाइजर रह चुके हैं और DRDO के डायरेक्टर जनरल हैं। 5वीं शताब्दी के भारतीय एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन आर्यभट्ट के नाम पर इस अवार्ड का नाम आर्यभट्ट अवार्ड रखा गया। इस अवार्ड की शुरुआत 19 अप्रैल 1975 को भारत के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट के लॉन्च से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायनियर्स इन इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया के लिए UK का ग्रीन बॉन्ड पायनियर अवार्ड किस बैंक को दिया जाएगा? करेक्ट आंसर है यस बैंक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यस बैंक के CEO राणा कपूर, हेडक्वार्टर महाराष्ट्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।